गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आपको संज्ञा व्याकरण में संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो संज्ञा जो है उसके बारे में काफ़ी ढेर सारी बातें बताई कि संज्ञा, अभी हम संज्ञा के विकार के बारे में बता रहे थे। उसमें संज्ञा के विकार में लिंग, वचन और कारक की वजह से परिवर्तन होता है। तो लिंग करवा दिया, वचन करवा दिया, और कुछ हम वचन के तथ्य करवा रहे हैं। वचन में एक वचन, बहुवचन है, वचन के हम तथ्य करवा रहे हैं आपको। तो वचन वचन के तथ्य में पहला वचन का तथ्य मैंने लिखा कि कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरा तथ्य है कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ वचन जो है सदा क्या एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जो समूहवाचक संज्ञा था उसी का ये है, दल, भीड़, घी, जनता, सोना, वर्षा आदि। डॉक्टर साहब क्या है, जहाँ आदर प्रकट करना हो वहाँ एक वचन शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे हमें डॉक्टर को आदर देना है तो डॉक्टर साहब, पापा को आदर देना है तो पिताजी, प्रधानमंत्री,
क्या है, वचन बदलते समय संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे जैसे कि एक वचन में हम लिखते हैं बच्चा पढ़ रहा है, ये है क्या एक वचन, क्या है ये एक वचन है। और इसी का जब हम चेंज करते हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया बहुवचन हो गया, ये बहुवचन है। ठीक है, तो यहां पे यहां वचन बदलते ही वचन बदलते ही संज्ञा शब्द शब्द बच्चा से बच्चे हो गए। संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन हो गया, बच्चा से बच्चे, लेकिन साथ में और क्रिया शब्द जो है क्रिया शब्द रहा है से रहे हैं हो, यानी पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, पूरा वाक्य चेंज हो जाता है। बदल गया है तो ये सब कुछ जो है ना तथ्य है, ये सारे तथ्य है कि इस तरह से चेंजेस होता रहता है। और ये सारी बातें जो है एक रिटेन के रूप में, लिखित के रूप में आपके पास होगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो आप लोग ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर, इस पिक्चर में लड़का है लड़की, पत्ता पत्ते, फिर है मिठाई मिठाइयां, बात बातें, भैंस भैंसे, बैल बैले, घोड़ा घोड़े, ये एकवचन से बहुवचन, तितली तितलियां, बहन बहने, इस तरह से इस पिक्चर्स के थ्रू आपको पता चल रहा होगा एक वचन और बहुवचन।
क्या बोला है कारक के बारे में कि कारक वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के बारे में बताइए और सर्वनाम जो संज्ञा के शब्द के बदले यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा के शब्द के बदले बार बार जो संज्ञा के शब्द को हम दोहराए ना और उसके लिए यह वह वे दे ये शब्द यूज किया जाता है वहां पे सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे क्रिया से क्या संबंध है, रानी ने एक पुस्तक खरीदी, यहाँ पे ने जो है इसके खरीदे पर उसके साथ संबंध स्थापित, रानी ने एक पुस्तक खरीदी, रानी ने एक पुस्तक, ये खिलौने मैं मनोज के लिए लाया हूँ, के लिए सभी उपहार मेज पर रख दो, आज घर में कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो भी संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के साथ वाक्य को संबंध जोड़ता है, ये संबंध जोड़ने वाले शब्द हैं, इनको हम कारक कहते हैं, यही है कारक, कारक इनको ही कहते हैं। जैसे मनोज के पिता जी अध्यापक हैं, मनोज के पिता, वह दिल्ली से आई, अभी और लिखवाई देती हूँ, 5 नंबर तभी समझ में आएगा आपको, बच्चों को खाना दे दो। टोटल 8 होते हैं, कारक 8 होते हैं, इसलिए 8 को उदाहरण दिया जा रहा है।
अब कारक के भेद, कारक के आठ भेद होते हैं। की विभक्ति की जो उदाहरण दिया उसी से रिलेटेड है। पहले कर्ता में ने कर्म को करण से के साथ या के द्वारा संप्रदान के लिए किसी के लिए कौन काम करना, किसी को कुछ देना, से के लिए को में किसी को कुछ देने के भाव में। संबंध में का के
अधिकरण में या पर संबोधन है के या अरे, के या अरे। तो इस तरह से अभी हम कारक के आठ भेद होते हैं और उनकी विभक्ति चिन्ह के बारे में बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके विभक्ति चिन्ह से रिलेटेड उदाहरण के साथ आपको हम समझाएंगे। तो ये अभी कितना कुछ आपने संज्ञा में आज तीन पार्ट के रूप में जो है तीसरे पार्ट के रूप में संज्ञा का है वीडियो। तो इसमें कारक सबसे लास्ट आया है। अब कारक के बाद जो है ये संज्ञा के विकार और जो है कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अभी इसके बाद जो है हमारे पास अभी समय नहीं है, नहीं तो हम अभी आपको और आगे लिखवा देते हैं।